नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस का मेंस का जो पेपर आने वाला है, अभी अभी देखिए प्रीलिम्स की आ चुकी है। अभी शायद दृष्टि ने फिर से रिवाइज की दी है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। वैसे आंसर की अभी आने वाली है 3-4 दिन के अंदर। यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, जिनके कम से कम 100-105 क्वेश्चन तो सही हैं ही कम से कम। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस में मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, जीएस के 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ठीक है, उसके बाद इसमें हिंदी का पेपर होता है 150 नंबर का, सामान्य हिंदी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 150 के जो नंबर हैं रैंकिंग में काउंट करे जाते हैं। मतलब ये 150 में आप जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले आएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आएँ उतना अच्छा रहेगा आपकी रैंकिंग के लिए। और जनरली ये देखा गया है कि सामान्य हिंदी में आपके 100 नंबर के आसपास आराम से आ जाते हैं। ये एसे वाला पार्ट नहीं है, जैसे एसे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है मार्क्स का, किसी के 70-60 मिलते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा अगर अच्छा लिखा तो 100 के आसपास मिलते हैं। हिंदी में आपके आराम से 100 नंबर आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बस स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, ये जो ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कोर्स क्या क्या लिखा है। सबसे पहले एक दिए हुए गद्य खंड का आपको अवबोध और प्रश्नोत्तर करने पड़ेंगे। एक गद्य खंड दिया रहेगा, हमने इसमें पेपर भी हमने दिया हुआ है, पेपर भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो एक आपको पूरा गद्य खंड दे दिया जाएगा, जैसे पैराग्राफ होता है इंग्लिश में वैसे हिंदी में दिया जाएगा। इसमें कुछ आपके एक रेखांकित पंक्तियां होंगी, उनका आपको अर्थ बताना पड़ेगा, प्लस उसी गद्य से रिलेटेड 2 प्रश्न रहेंगे, तो 30 नंबर का ही आता है करीबन। उसके बाद संक्षेपण आता है, मतलब कि बड़े पैराग्राफ को छोटे में करना आपको। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं इसको। पहली बात तो ये जो गद्य वाला है इसको आप ध्यान से 2 बार पढ़िए और फिर उसमें समझिए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल हिंदी तो पता होनी चाहिए, और जैसे जो यूपी और इधर उधर के जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको इतनी हिंदी समझ में आती है, तो ये गद्य वाला तो जनरली सब लोग कर लेते हैं। एक थोड़ा बहुत तो इसमें आप रेखांकित वाला अर्थ बता भी सकते हैं। संक्षेपण में थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक बड़ा पैराग्राफ दिया रहता है, ठीक है, उसको आपको समझ के अपने शब्दों में लिखना पड़ता है, शॉर्ट फॉर्म में समरी। तो ये है संक्षेपण, ये 1-2 बार आप कर लीजिएगा पहले। वैसे पूरी हिंदी के पेपर की 4-5 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है, और वो भी 4-5 दिन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, 4-5 दिन आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ लीजिए, आराम से तैयारी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद संक्षेपण वाला है, इसमें भी आपको ये शीर्षक लिखना पड़ता है और संक्षेपण लिखना पड़ता है, तो इसमें भी करीबन 30 नंबर का आता है ये। उसके बाद ये पत्र लेखन होते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी, तार लेखन, ये कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 6-7 तरह के हैं ये। आप पूरे एक बार देख लीजिए, वही चीज़ हर बार पूछते हैं घुमा फिरा के। 20 नंबर का इसमें आता है, और इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये वाला पार्ट मैं करा दूंगा, ये जो पत्र लेखन वाला है इसका मैं एक वीडियो बना के सभी जितने तरह के फॉर्मेट होते हैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और प्लस संक्षेपण कैसे लिखा जाता है वो भी बता दूंगा एक वीडियो में, कि कैसे आपको मतलब मिनिमाइज करना है इसको। उसके बाद देखिए, ग्रामर आती है हिंदी की, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर की आती है, 60 नंबर में तो आपका ये संक्षेपण और गद्य हो गया पूरा, 20 नंबर का आपका पत्र हो गया, बाकी जो बचे 70 नंबर उन सब में टोटल ग्रामर आती है, ठीक है। उसमें उत्सर्ग उपसर्ग प्रत्यय होगा, विलोम शब्द होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, मतलब एक जैसे बड़ा सा वाक्य के लिए एक शब्द होगा वो, और वर्तनी और वाक्य शुद्ध करने के लिए आते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं। देखिए सबसे पहले ये बात है कि जनरली जो हिंदी के लिए कोई भी आप हिंदी की बुक ले सकते हैं। वैसे मैंने जो रिसर्च किया इसमें थोड़ा सा सर्च किया तो लोगों ने ये बताया, और लोगों ने जो सिलेक्ट हुए वो भी, और प्लस जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने बोला कि 2 बुकें हैं ये। और मैंने भी जैसे इसमें समझा कि कोई भी आप हिंदी की बुक ले लीजिए, जिसमें मेन बात है देखिए आप टारगेट करा करिए जो सिलेबस दिया हुआ है। अब ये सब चीज़ें जिस भी बुक में आपको मिल जाए वो आप कर लीजिए। वैसे भी जनरली ये क्वेश्चन और ये जो हिंदी वाले पेपर के हैं जनरली देखिए लोकोक्तियाँ होंगी, कुछ आपको रटनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। मुहावरे इसमें आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा जरूर, इसमें विलोम शब्द आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो ये हिंदी वाली में एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसको तो रटनी ही पड़ेंगी। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं, पीएन पांडे या हरदेव बारी की, या फिर कोई भी ऐसी हिंदी की बुक जो यूपीएससी के लिए भी कई लोग तैयारी करते हैं वो लोग भी लेते हैं हिंदी की। जनरल हिंदी की बुक आती है जिसमें ये सब कुछ होता है, संक्षेपण सिखाया जाता है, गद्य से कैसे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, कैसे इसमें ये जो विलोम शब्द है, नॉर्मल जो ग्रामर है, प्लस पत्र वाला वैसे भी मैं करा दूंगा, और जितनी भी हिंदी ग्रामर वाली पार्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे कि कितना इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है पेपर, ये 2016 का पेपर आया था, इसमें जनरल हिंदी का पेपर। तो देखिए आप इसमें एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है,
साहित्यकार से रिलेटेड दिया हुआ है, पूरा एक पैराग्राफ है, और इसमें कुछ पंक्तियों को रेखांकित भी किया हुआ है, ठीक है। सच्चा साहित्यकार समय के सत्य की गहरी पहचान करता है, मानव जीवन के प्रति गहरी आस्था उसके सजनकीय जीवन का अधिकार है, ठीक है, सर्जकीय जीवन का अधिकार है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको पूरा, पहली बात तो उपयुक्त तो ये जो गद्यांश है इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा 5 नंबर का, फिर उसके बाद ये साहित्य में जीवन मूल्यों की अवधारणा और प्रस्तुति को उपयुक्त अवतरण के आधार पर स्टडी करिए, तो 5 नंबर के आ गया, और प्लस जो रेखांकित पंक्तियां हैं यहाँ पे ये 20 नंबर की। तो 30 नंबर का देखिए ये आ गया गद्य वाला, ये आपको थोड़ा एक दो पहले करके देख लीजिएगा, या फिर कम से कम पुराने जो पेपर्स हैं, जब आप पेपर की कोई बुक लेंगे ये, तो उसमें पुराने कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, तो एक थोड़े से करके देख लीजिएगा कैसे कैसे करते हैं इसमें। ज़्यादा इसमें हिंदी में इतना फोकस नहीं भी देंगे तब भी, एग्जाम से आप 1 हफ्ते पहले भी इसको पढ़ने बैठेंगे तब भी लोगों के आ जाते हैं 95 या 100 नंबर के करीबन। हाँ, लेकिन रटने वाली क्षमता थोड़ी होनी चाहिए आपके, कि आपको जो रटे और वो याद रहे। हिंदी में ज़्यादातर यही सब चीज़ें, या फिर अगर आप एकदम ही हिंदी के भक्त हों और मतलब हमेशा हिंदी बोलते हो, हिंदी पढ़ते हो, जनरली हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ते हो, ज़्यादातर ऐसा आजकल होता नहीं, इसलिए जो भी लोग हैं मतलब जैसे हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए तो इतना मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए दूसरा ये दिया है गद्य आपको, इसमें आपको शीर्षक देना है पहले, ठीक है, 5 नंबर का शीर्षक है, और फिर उसके बाद ये एक प्रश्न पूछा है 5 नंबर का ये, और प्लस 20 नंबर का संक्षेपण है। तो 30 30 60 नंबर का हो गया गद्य और संक्षेपण। फिर देखिए पत्र ये आया, एक परिपत्र लिखा है कि क्या होता है, उसका उदाहरण दीजिए, 6 7 फॉर्मेट हैं इसके, वो वाला एक बार कर लेंगे तो वही घुमा फिरा के पूछते रहते हैं इसमें। फिर एक दूसरा है कि एक सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखना है, सरकारी पत्र प्रारूप तैयार करना है उसमें, तो वो भी आप लिख सकते हैं, उस वाला वीडियो बना दूंगा मैं। 20 नंबर का देखिए पत्र लिखना आ गया करीबन, तो 60 और 20 हो गया 80। फिर ये प्रत्यर्ग और उपसर्ग, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है कि प्रीफिक्स, और ये प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स, मतलब प्रीफिक्स मतलब जो पहले जुड़ता है, और ये प्रत्यय मतलब जो बाद में जुड़ता है, उस पर आपको एक शब्द की रचना करनी है, थोड़ा सा इसमें पता जरूर होना चाहिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे ये। देखिए ऐसे लगता जरूर है कि आपको ये सब शब्द सुने हुए हैं, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आते, एक्चुअली दिक्कत ये है, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। विलोम शब्द इन सब के लिखने हैं, और देखिए विलोम शब्द भी ऐसा नहीं कि कोई ऐसे पूछ ले, अच्छे खासे विलोम शब्द पूछते हैं इसमें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा सा आप इसमें एक बुक लेके और जो जो इसमें दिया गया है वो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करके उसको पढ़ लीजिएगा। शुद्ध करने वाले वाक्य जनरली हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी ऐसे एकदम हलवा नहीं होता है, एक दो भले ही आपसे हो जाए 5 के 5 नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस 10 नंबर का ही आता है। उसके बाद देखिए 30 नंबर का, ये 10 नंबर का ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है 2 2 नंबर का, ठीक है, और फिर ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ का आपको अर्थ स्पष्ट करना पड़ता है, प्लस वाक्यों में प्रयोग करना पड़ता है, 30 नंबर का ये है, 10 है ये टोटल, तो 30 नंबर का ये हो गया। मतलब ग्रामर का अच्छा खासा पोर्शन है, 70 नंबर की ग्रामर, 20 नंबर का ये लेटर राइटिंग, और 60 नंबर का हो गया आपका पैराग्राफ और संक्षेपण। वो 2016 का पेपर था, ये देखिए 2015 का पेपर है, इसमें भी वैसे ही आता है, तो हर बार वो मतलब सेम ही रहता है पैटर्न। इसमें भी देखिए संक्षेपण आया 20 का, ठीक है, फिर उसमें फिर वही परिपत्र, देखिए परिपत्र लगातार ये पूछ लिया गया है, 2015 में भी आया, 2016 में भी, मतलब वही यही, ये सब चीज़ें 5 6 फॉर्मेट हैं, यही घुमा फिरा के यही पूछते रहते हैं। अधिसूचना का ये पूछा था, फिर उपसर्ग और प्रत्यय आया था, विलोम आए थे, वाक्यों को शुद्ध करना आया था, देखिए 10 नंबर का, ठीक है, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आया था 10 नंबर का, 2 2 नंबर के, ठीक है, और फाइनली ये आपका आया था आपका मुहावरे, 10 मुहावरे थे, 10 मुहावरे। देखिए मुहावरे आपकी लिस्ट है पूरी, हम भी करेंगे उसमें एक वीडियो बनाएंगे, मुहावरे की आपको लिस्ट दे देंगे 200 300 की, उसी में से घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, उसका अर्थ लिखना होता है प्लस उसको शब्दों में, सॉरी वाक्य में अपने यूज करना होता है। तो ये जनरल हिंदी का पेपर है, UPPCS का 150 नंबर का, इतना लाइटली मत लेना, जो इंग्लिश मीडियम वाले खासकर उनके लिए जरूर इतना लाइटली मत लेना, वरना लोगों के ऐसे भी होते हैं कि आपके 50 50 60 60 नंबर आते हैं हिंदी में, और वो मार्क्स निकल जाते हैं, तो रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, उन लोगों के तो मैंने देखा है 110 10 115 15 नंबर भी आ जाते हैं इवन। तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा, कोई भी बुक उठा लीजिए मार्केट में, या फिर ये जो दो मैंने बुक लिखी है इनका आप नाम ढूंढ लीजिएगा, यही वाली मानी जाती हैं दो अच्छी, ये PN पांडे और हरदेव बहरी, और बाकी लेटर राइटिंग मैं आपको करा दूंगा, लेटर राइटिंग पूरी, और प्लस जो मुहावरे वाला, और प्लस जो मैक्सिमम जो ग्रामर वाला पोर्शन है, मतलब 4 5 वीडियो में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, और
यूपी पीसीएस का देखिए मैं पेपर वाइज स्टडी दे रहा हूँ, इससे पहले एसए का पेपर का पूरा बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या क्या आता है। ये हिंदी वाला पेपर हो गया, अब जीएस वाला पेपर का बताऊंगा अगली बार, कल जीएस वाले 1 2 पेपर में क्या क्या आता है वो सब कुछ देखेंगे और फिर ऑप्शनल का करेंगे, ठीक है।